हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करी लीव्स राइस। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और ये एकदम सिंपल रेसिपी है। आप चाहे तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इनको बना करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हम राइस के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल हम इस पैन में डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून चने की दाल डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून हरेर की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सफेद वाले तिल, 1/4 टीस्पून हींग। अब सभी चीजों को हम स्लो मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें हल्के गोल्डन कलर की भून गई हैं। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाल देते हैं। ये 4 सूखी वाली लाल मिर्च लिए इसे भी डाल देते हैं और ये 1/2 कप करी पत्ते लिए इसे भी डाल देते हैं। अब करी पत्तों को भी हम लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। जब हम इस तरीके से करी पत्तों को भून करके चावल में डालते हैं तो जो करी पत्तों के अंदर का सैलापन होता है वो खत्म हो जाता है और करी पत्ते का टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी इमली डाल देते और इमली को भी इसी के साथ भून लेते। अब करी पत्ते भी भुन गए और क्रिस्पी हो गए। अब फ्लेम को ऑफ कर देते और मसाले को ठंडा होने देते। अब इधर मसाला भी ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते। अब मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए मसाले को हल्का दरदरा होने तक पीस लेते हैं। ये हमने मसाले को पीस लिया है। चलिए राइस बना लेते हैं। राइस बनाने के लिए 1 चम्मच ऑयल हम कढ़ाई में डाल देते हैं। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, ये हमने 1/4 कप कच्ची वाली मूंगफली ली है, वो हम कढ़ाई में डाल देते। अब मूंगफलियों को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। अब ये मूंगफलियां भुनना शुरू हो गई हैं। ये हमने 8 से 10 काजू लिए, जिसे 2 पीसों में काट लिया है, वो डाल देते। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन काजू डाल के हम बनाते हैं तो ये खाने में ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और काजुओं को भी हल्का सा गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। अब ये काजू भी भुनना शुरू हो गए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई डाल देते, 1 टीस्पून जीरा, ये हमने 1 टेबल स्पून चने की दाल ली है उसे भी डाल देते, 1 टीस्पून उड़द की दाल, ये 10 से 12 करी पत्ते लिए हैं इसे भी डाल देते, ये 2 लाल मिर्च लिए हैं इसे भी डाल देते। अब सभी चीजों को क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भुन गई हैं और क्रिस्पी भी हो गई है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अब जो हमने मसाला पीसा था इसे भी डाल देते। और सभी चीजों को 1 मिनट करीब भून लेते हैं। हमें इन्हें ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने मसाले को पहले ही भून लिया है। 1 मिनट करीब हो गया है, अब ये सभी चीजें भून गई है। ये हमने 4 कप बॉयल चावल लिए हैं, वो डाल देते। चावलों को मिक्स कर देते। ये चावल खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि करी पत्ते हमारी हेल्थ के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और करी पत्ते हमारे बालों, स्किन और पेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप भी इन्हें एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास बॉयल चावल रखे तब तो बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब ये चावल बनके तैयार हो गए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चावलों को गर्मा गर्म सर्व कर लेते। देखिए कितने बढ़िया करी लीव्स राइस बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी इन्हें बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं।
आप इन्हें लंच डिनर कभी भी बना करके खा सकते हैं। अगर आप सफर पर जा रहे हैं तब भी आप इन्हें बना करके ले जा सकते हैं। आप इसे दही पापड़ के साथ खाएं तो ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं। मैंने अपने चैनल पर चावल की रेसिपी की प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाकर के उनको देख सकते हैं। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितने टेस्टी चावल बन के तैयार हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इन्हें कब बना रहे हैं। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको इनको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया करी लीफ्स राइस बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।